दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने आया हूं, दोनों दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं। मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपये डलवाएंगे। उन्होंने कहा कि दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज आतिशी की कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को चुनाव के बाद 2100 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। कल से 2100 रुपये प्रति माह के लिए पंजीकरण शुरू होगा। अब इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने दिल्ली की महिलाओं से बात की है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर महिलाओं की क्या राय है। विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी नई स्कीमें लेकर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने जो महिला सम्मान योजना की शुरुआत करी है, इस पर हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए आम महिलाएं कुछ मौजूद महिला उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? ज्वाला यादव। मैम, किस तरह से देखती है महिला सम्मान योजना के तहत जो 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे महिला को? बहुत अच्छी योजना है। जो एक घर में अगर दो किसी की दो बेटी है मान लो किसी की, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छी योजना है। और लोगों को भी चाहिए, अब महिलाओं के लिए एक सिक्योरिटी का भी इंतजाम होना चाहिए कि भाई जहाँ जहाँ थोड़ी वारदात हो रही है उसको थोड़ा सही बनाना चाहिए। बाकी केजरीवाल जी ने तो बहुत अच्छी ये सुविधा निकाली है, ये कामयाब भी होगी। उन्होंने हर वादा पूरा करा है तो ये भी करेंगे। अगर 2100 रुपए की जो ऐलान करा है, अगर ये जारी रहता है, क्या आप आम आदमी पार्टी पर दोबारा से वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हर बार, हमेशा ही। क्या लगता है अभी तक बाकी किसी पार्टी ने जो ऐसे महिला सम्मान योजना की शुरुआत की करी है, महिलाओं की कोई भी योजना की शुरुआत नहीं करी है? हाँ जी, करनी चाहिए सभी पार्टी को, कोई ना कोई चीजें तो करनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए करनी चाहिए। अमीर का तो चलो हो ही रहा गुजारा, ये गरीबों के लिए है। रेणु जी, किस तरह से देखती हैं कि 2100 रुपए जो हर महीने महिला को मिलेंगे, तो कितना इससे फायदा रहने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है महिला के लिए, और क्या चाहिए। इतने कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, इतने से बहुत हो रहा है। हम लोग बहुत खुश है कि फिर आए केजरीवाल जी यहीं पे, उनके के जीता है हम। 2100 रुपए का किस तरह से जो महिला उसको इस्तेमाल करेगी अपने जीवन में, क्या उसका? हाँ जी, उससे तो बहुत हो जाता है महिला के लिए, बच्चे के भी किफायत हो जाएगा, घर परिवार में भी हो जाएगा, सहारा बहुत हो जाता है 2100 रुपया से महिला के लिए। उससे तो बहुत जेब खर्चा हो जाता है, आने जाने के लिए भी हो जाएगा, जी चीज में यूज करेंगे कोई चीज में यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं के बुलाएंगे हम लोग, फिर वही आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे, जब भी आएंगे तो वही आएंगे। ऐसे तो नहीं निकाले हैं, लेकिन निकालना चाहिए सबको, महिला के लिए यही अच्छा होता है। किस तरह से आप 2100 रुपए का यूज करेंगे? देखो, 2100 रुपए का बहुत बड़ा यूज है महिला के लिए, तो बहुत अच्छी चीज है ये, और एक्स्ट्रा मिलेंगे तो और भी ज्यादा बढ़िया। वैसे भी इन्होंने 6 रेवड़ियां तो फ्री की वैसे बांट रखी है, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं 6 रेवड़ियां फ्री की, बिजली पानी फ्री, शिक्षा फ्री, हॉस्पिटल फ्री है, बसों में महिलाओं के लिए फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री कर रखे। उसी तरह ये 7वीं रेवड़ी जो इन्होंने दी है कि 1000 मिलेगा, लेकिन आज इन्होंने ऐलान किया कि अब अगर हम सीएम बन जाते हैं तो 2100 रुपए की राशि आपके उसमें आएगी। तो महिला सारी सभी खुश है, इसलिए खुश है कि हम इन्हीं को लाएंगे, इन्हीं को जिताएंगे, इन्हीं को लाके पिटाएंगे। 2100 रुपए लगातार चलती रहेगी, आम आदमी पार्टी देखो 2100 रुपए की स्कीम चले बहुत अच्छी चीज है, अगर ना भी चले तो बंदा बहुत अच्छा है। केजरीवाल काम करने में स्टीक है अच्छे से, और देखता है कि मेरा घर कितना भरना है और पब्लिक को कितना मारना, वो ये सब चीजें उनको बहुत अच्छे से बता। पैसे तो ठीक है, 2100 रुपए जो मान लो कोई किसी का बेटा नहीं देता है माँ को, उसको भी मिल जाएगा, तो उसका थोड़ा खर्चा पानी निकल जाएगा। हाँ, एक ही महीना चलता है अगर करेगा तो, नहीं तो 2 दिन में 2100 रुपए कोई खूब ज्यादा बड़ा रकम नहीं है। नहीं, 2100 रुपए भी ना भी मिलेंगे तभी हम केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। अभी तक किसी और पार्टी ने ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली है, क्या लगता है और उन्हें भी ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए? हाँ, निकालनी चाहिए ऐसी स्कीम, में निकालना चाहिए। स्कूल ठीक है, पहले से दिल्ली में स्कूल भी ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक भी ठीक है, दवाई भी सबको मिल रही है। पहले हम हॉस्पिटल में जाते थे तो हमें हॉस्पिटल में देखा ही नहीं जाता था, रास्ता जिस मर्जी के हॉस्पिटल में जाओ तो आपको बिल्कुल बढ़िया से देखा जाता है, हर चीज का, दवाइयां भी फ्री मिली है, मोहल्ला क्लिनिक में भी डॉक्टर मिले। जिस तरह से महिला सम्मान योजना का शुरुआत की गई है, 2100 रुपए जो हर महिला को मिलेंगे, इसे किस तरह से देखती हैं आप? मैं तो ये चाहती हूँ, बहुत से गरीब महिला है जिसके पास तो कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से महिलाएं बहुत मजबूर है जो काम पे नहीं जाती हैं, घर में ही छोटे बच्चों को पालती हैं, उसके वजह से बाहर जा नहीं सकती हैं, तो उस पैसे से अपने छोटे बच्चों का पोषण कर सकती हैं, अपने दुख सुख में कोई भी जरूरत हो, अगर हस्बैंड की बहुत कम कमाई है तो बच्चों को उससे दूध पिला सकती हैं,
बच्चों को स्कूल का फीस दे सकती हैं और कोई भी सुख तकलीफ, दवाई, दर्पण और भी कहीं आने जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए महिलाओं के लिए बहुत फ्री है। तो मैं यही चाहती हूँ कि केजरीवाल के 2100 रुपए से बहुत महिलाएं खुश होगी और मैं भी घर घर जाऊंगी, सबको फार्म भरूंगी। ये खुशियों का दिन आया है केजरीवाल जी का, ये बहुत भारी तोहफा है जो महिलाएं देख के बहुत खुश होंगी। पहले महिलाओं के लिए बसें फ्री थी, अब 2100 रुपए है, क्या लगता है इसके बाद क्या आम आदमी पार्टी को चुनी कितना फायदा मिल रहा है आपको? भाई आम आदमी पार्टी जिस दिन आएगी पूरी दिल्ली में तो जैसे होली दशहरा मनाया जाता है तो वैसे हम लोग खुशियाँ मनाएंगे उस दिन, क्योंकि केजरीवाल तो मसीहा है, मसीहा जो गरीबों के लिए काम कर रहा है। तो क्यों हम जो पहले 100% अब तो 200% है कि केजरीवाल जीतेंगे। यहाँ पे कुछ और महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे कि 2100 रुपए जो महिला समाज योजना हर महिला को मैम मिलेगा, क्या लगता है इससे कितना फायदा रहेगा एक महिला को? 2100 रुपए बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा लेडीजों के लिए, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे घर में हमारी बहुत जरूरतें होती हैं महिलाओं की जो हमें नहीं हमें मिलती है, जैसे कोई लेडीज जैसे नहीं कहीं जॉब पे जा सर्विस नहीं करती है, घर में रहती है और बहुत सी चीजें होती हैं जैसे महिला की बहुत जरूरती चीजें होती हैं जो नहीं है वो कर पाती हैं, तो उससे हमारा बहुत भला होगा। मतलब भैया अभी तक किसी और पार्टी ने जो महिला सम्मान योजना महिलाओं के लिए कोई भी स्कीम नहीं निकाली, तो उसे किस तरह से देखती हैं आप? क्या नहीं देखो बहुत मतलब उनका है जो झूठे जुमले होते हैं वो बोल दिए वो करते नहीं है। केजरीवाल जी के ऊपर हमें विश्वास है इनके ऊपर कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और उन्होंने बहुत सी ज्यादा सुविधाएं कर रखी हैं, जैसे लेडीजों के लिए बसें हैं, मोहल्ला क्लिनिक है और हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसें फ्री हैं, और क्या चाहिए लेडीजों को, ये जरूरत की चीजें ही होती है लेडीजों की। अगर ये 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे तो क्या आप आगे भी इसको सुनेंगे? देखो हमें मिले ना मिले पर हम तो केजरीवाल जी को वोट देते हुए आ रहे हैं और आगे भी देंगे और हमारा पूरा सहयोग है केजरीवाल जी को। बात 2100 रुपए की नहीं है, महिला सम्मान की है, वो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। 2100 रुपए में घर नहीं चलता लेकिन 2100 रुपए में जरूरतें पूरी होती है। आप अपने बच्चे की फीस ट्यूशन की दे सकते हो, जिस बच्चे की फीस 500 रुपए है और आपके हस्बैंड के पास अगर 500 रुपए नहीं है तो आप उस महिला के पास अगर 500 रुपए तो वो अपनी फीस दे सकती है। इससे अगर ट्यूशन में बच्चा जाता है उसको बातें सुनाई जाती है, वो सुनने से तो बचेगा बच्चा, 2000 का मतलब है उसके 2 बच्चों की फीस चली गई और उसके 1000 रुपए बच भी गए, वो महीने की सब्जी वगैरह में निकल जाएंगे। इससे बहुत बड़ा तोहफा मिला है महिलाओं को और महिलाओं को इसके लिए हम केजरीवाल साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है, क्योंकि देखो स्कीमें निकाली जाती हैं, जनता पार्टी स्कीमें निकालती है, बीजेपी स्कीमें निकालती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती, ये जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे। हम केजरीवाल सरकार का साथ हमेशा दिया है, देंगे और देते रहेंगे। अगर लगातार महिलाओं को इस तरह से फ्री बसें और 2100 रुपए मिलेंगी तो आने वाले वक्त में किसको आप वोट देंगे? देखो ये बंद भी हो जाए तब भी हम केजरीवाल सरकार को वोट देंगे क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ी चीज है। बात करने के लिए तो हम लगातार महिलाओं से बात कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने जो महिला सम्मान योजना की शुरुआत करी है जिसमें महिलाओं को हर महीने जो है 2100 रुपए दिए जाएंगे, अब देखना ये रहेगा कि महिलाओं का इससे क्या कुछ फायदा मिलता है, 2100 के अलावा दिल्ली सरकार क्या कुछ नए जो स्कीम लेकर आती है। MKN News के लिए दिल्ली से शुभ से।